लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन वह अपनी इस यात्रा के दौरान शीर्ष चीनी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह 22 जून को रूस के लिए रवाना होंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त को तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। राम मंदिर निर्माण का काम अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रस्तावित मॉडल में हल्का बदलाव भी किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया कि भगवान राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की तरफ से 35 किलो चांदी की शिला रामलला को भेंट की जाएगी, जो राम मंदिर में आवश्यकता अनुसार लगाई जाएगी। संतों की मांग थी कि राम मंदिर को भव्य और दिव्य बनना चाहिए। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे की रणनीति बनाने के लिए विधायकों और मंत्रियों से मंगलवार को फेयरमोंट होटल में चर्चा की। विधायक दल की 10 दिन में ये तीसरी बैठक थी। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट खेमे की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला फिलहाल 3 दिन के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब 24 जुलाई को फैसला आएगा। गाजियाबाद में भांजी से छेड़छाड़ और अभद्र कमेंट करने वाले युवकों की शिकायत करने वाले पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। शिकायत से नाराज बदमाशों ने सोमवार को विक्रम को करीब से गोली मारी थी। उनका इलाज चल रहा था। विश्व भर में कोरोना महामारी से तबाही जारी है। भारत में कोरोना मामलों की संख्या 11,50,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 39,00,000 के पार जा चुका है। अमेरिका में अब तक कोरोना से 1,41,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 28,000 से ज्यादा मरीज दम तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 37 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,229 हो गई है। यहां पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 215 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 24 घंटे में 1,024 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब तक 31,855 लोग पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। अभी 20,204 केस एक्टिव हैं। वहीं बिहार के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। मधेपुरा का रतवारा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कोसी नदी उफान पर है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।